लगता है कि ये बहुत अच्छे पैमाने में ये काम कर रहे हैं, और बहुत सारे म्यूजिशंस जो वाकई उनका हालात मतलब कष्ट में हैं, उनको ये फंड्स कुछ कुछ हद तक उनको दिया जाता है, और बहुत लोग इससे मतलब दे गॉट हेल्प्ड, राइट सौरभ? एब्सोल्युटली या बहुत. और ये म्यूजिशंस, अगर म्यूजिशंस को नहीं हेल्प करें तो कौन करेगा? तो ये काम जो है, ये इस काम में हम करते रहें और इसमें बरकत आए. बिल्कुल. कि और बिल्कुल. और बहुत सारे म्यूजिशंस को इससे फ़ायदा हो, और यही मैं प्रार्थना करता हूँ. हरी भाई ने तो केरला फ्लड के लिए भी फंड्स जी लास्ट टाइम दिए थे. जी, लास्ट टाइम केरला में इतना फ्लड्स हो गया था, तो हमने सोचा कि इस बार कुछ अ पार्ट ऑफ द रेमते के फंड से हम केरला में देंगे. तो मैंने गया था और अपने चीफ मिनिस्टर साहब के उनके हाथ में दिया था. बड़े वो प्रसन्न हुए उससे. हाँ, बहुत बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि एक तो हम यहाँ किए फिर वहाँ ले गए. अगर आप यहाँ करें, यहाँ के लोगों के लिए करें कि वो साउथ के लोगों के लिए करें. रहमते में इस साल कौन कौन से गाने आप गाएंगे? कोई एक गाना जो हमारे मीडिया के थ्रू? सर, ये प्रॉब्लम क्या है, हम सीक्रेट रखते हैं. खुशी हो रही है कि शिल्पा जो है मेरे, मुझे मतलब मिली थी जब, व्हाट वाज योर एज? 7 13 13 वेर यू लुक लाइक 8. तो बहरहाल, तो 13 साल में मैं इसको देखा हूँ, मेरे से सीखी इन्होंने. फिर उसके बाद, और आई एम सो हैप्पी कि कल अभी इस प्रोग्राम में हम साथ में गा रहे हैं. तो क्या मतलब, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. I'm very nervous also to. नहीं नहीं, कोई नर्वस नहीं है. तो बस आप दुआ कीजिए कि ये प्रोग्राम सुपर हिट हो जाए. बिल्कुल. And every year is as important as the last year, because there can be no replacement for doing charity. जी. Difference is that we try to get a larger amount, जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि ये कोविड के टाइम के बाद जो है इनकी तादाद बढ़ गई है ज़्यादा. Where people have suffered, where people need money. So we have tried to put up a bigger show this time and got bigger artists, you can see. So we'll be able to fetch more money and give better charity. Mrs. Fadnavis is also joining us this time and she will also be singing a song. Very nice. Yeah. Shilpa ji, aap ने ऑलरेडी इस कॉज के बारे में पहले देखा होगा और सुना भी है, और आप इसमें आप परफॉर्म कर रही हैं, तो रहमते के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? रहमते ऑब्वियसली सौरभ जी इज अ डियर फ्रेंड. हरी जी, शंकर सर, बोथ हैव बीन, हरी जी इज माय गुरु जी, एंड उनके साथ गाना, उनके सामने गाना, मतलब डर लग रहा है बहुत ज़्यादा. बट दी ओनली थिंग इज, यस, हम आर्टिस्ट हैं, और आर्टिस्ट का एक बड़ा रोल होता है सोसाइटी में, कि वी ब्रिंग होप विद आर म्यूज़िक, एंड इफ़ दैट होप कैन ऑल्सो ट्रांसलेट इनटू हेल्प फॉर पीपल हु रियली नीड इट, इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. प्लस या इट्स अ ग्रेट एफर्ट फॉर म्यूजिशंस, बिकॉज सारे म्यूजिशंस एक नहीं होते हैं, एंड हमारी नैया किसी की बड़ी किसी की छोटी है, बट द स्टॉर्म इज़ द सेम, सो वी आर ट्राइंग टू हेल्प ईच वन आउट, एंड आई होप मैनी पीपल कम इन. प्लीज़ आप आए और रहमते को सपोर्ट करिए, बिकॉज इट्स फॉर द म्यूजिशंस. यस, हमने बहुत लोगों से बात की है कि आगे आएँ और हमें उनका नाम बताएं जिनको ज़रूरत है. अब तक हमारे पास 12 नाम आए हैं, बट और नाम आएंगे. प्लस सुरेश वाडकर जी से बात की है, उनकी स्कूल है आजीवासन करके, वहाँ ये संगीत सिखाते हैं. तो कुछ ऐसे बच्चे आते हैं बाहर से जो बहुत ही टैलेंटेड हैं, लेकिन उनके पास मींस नहीं है, तो हम उनको इस साल से अभी अडॉप्ट भी करेंगे. दैट इज़ द आइडिया. जी, nice. शिल्पा जी, कल जन्माष्टमी भी आ रही है जी, तो कृष्ण के लिए भी एक लाइन अगर हो जाए. उनके लिए हम क्या गाएं? एक्चुअली
ये आई थिंक एक एट्रिब्यूट फ्रॉम रहमत इट्स अ इट्स अ अनदर सॉन्ग या अनदर सॉन्ग के नाम कंफ्यूज यू वांट जन्माष्टमी और कृष्णा फिर आप एक काम करो हरी चीज गवा लो कृष्णा